यस हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कल अपन बीटा डीके के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स के बारे में बताया था कि बीटा डीके में जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो एक वीक इंट्रैक्शन फेनोमेना, इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो और जो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो एक कॉम्बिनेशन न्यूक्लियस में से है, न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियन कन्वर्जन से इमिट होता है। न्यूक्लियन कन्वर्जन का मीनिंग है एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स का इमिशन करता है जिसको अपन बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। हाँ, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस इस बीटा पार्टिकल प्रोसेस में जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पर प्रपोजल की गई थी इसको न्यूट्रिनो पार्टिकल्स कहते हैं। पहले मैं कल बीटा डीके की प्रोसेस थ्री स्टेप में होती है, थ्री टाइप्स की होती है, जिसमें मैंने एक टाइप आपको डिवाइड को शुरू करके बताया था बीटा प्लस प्रोसेस, ठीक है, या बीटा माइनस प्रोसेस बताया था। बीटा प्लस पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल, मतलब इसमें जो अपने पास पेरेंट डीके होने वाली जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा। कैसे? मान लें कि इसमें पॉजिट्रॉन है, इमिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एटॉमिक नंबर, इसका जो पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय एबल मास नंबर इज द सेम, और यहां बीटा प्लस पार्टिकल इमिट हो जाता है, और इसको अपन कहते हैं यहां पर एक क्यू एनर्जी बीटा प्लस की नोट कर लेता है। बीटा प्लस पार्टिकल कहां से इमिट हुआ? कि एक प्रोटॉन है 1-1, वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और चार्ज से बीटा प्लस पार्टिकल इमिट हो गया, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने से इसका एटॉमिक नंबर मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बाय 1। और यदि बीटा माइनस प्रोसेस होगी तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय द 1, मतलब एक न्यूट्रॉन डीके होता है एक प्रोटॉन में प्लस बीटा माइनस पार्टिकल इमिट करता है। ये जो रिएक्शंस प्रोसेस है इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, चार्ज कंजर्वेशन हो रहा है, तो इसके लिए अपन दूसरा फंडामेंटल अदर पार्टिकल्स का कंसेप्ट इंड्यूस किया था। पहले केवल सिंपली में क्यू एनर्जी फाइंड करने का मेथड अपन बीटा प्लस डीके प्रोसेस में क्या होगा, तो देखो जो पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होती है और एक कुछ पार्टिकल इमिट होता है तो इनका जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी के इमिशन एनर्जी के इक्वलेंट होता है, मतलब मास डिफेक्ट के इक्वलेंट जो एनर्जी होगी उसकी क्यू एनर्जी होगी। मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस एंड इमिशन पार्टिकल, तो मतलब क्यू बीटा प्लस क्यू एनर्जी मास ऑफ न्यूक्लियस जेड ए माइनस मास न्यूक्लियस जेड माइनस ए माइनस मास ऑफ पॉजिट्रॉन जो बीटा प्लस पार्टिकल है इंटू सी स्क्वायर, जो एटॉमिक मास यूनिट के अंदर अपन इसका वैल्यू निकालते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट में निकालने के लिए एक न्यूक्लियस के मास को टोटल एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दो, मतलब मैं कोई एटम ले लेता हूं एटॉमिक नंबर ए, एटम मास नंबर ए और एटॉमिक जेड वाले का, और इसमें से अपन जेड इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दें तो ये अपने पास इसके न्यूक्लियस की मास के इक्वल हो जाएगा। दूसरा, मास ऑफ ए जेड माइनस वन एटम का, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जेड माइनस वन, तो ये माइनस जेड माइनस वन इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर।
देखो अपने पास माइनस और माइनस ई, ये जेड प्लस वन क्या हो गया, दोनों को अपन जेड ई और माइनस एम ई, जेड प्लस वन इलेक्ट्रॉन्स का मास हो गया। यहां पर देखिए प्लस में न्यूक्लियस, पेरेंट्स न्यूक्लियस था, इसमें जेड इलेक्ट्रॉन थे, इसमें जेड माइनस वन इलेक्ट्रॉन थे, माइनस एम ई सेपरेट है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने पर देखो जेड और नेगेटिव, अपने पास जो है कैंसिल क्वांटिटी क्या होती है, पहले अलग अलग लिख लो, मैं लिख लेता हूँ कैपिटल एम ए जेड माइनस कैपिटल एम ए जेड माइनस वन, ये हो गया माइनस जेड एम ई माइनस एम ई, और इसमें यहां देखो प्लस जेड ई माइनस माइनस प्लस और प्लस जेड एम ई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस वापिस माइनस आ जाएगा, माइनस एम ई, एटॉमिक नंबर मास जेड माइनस वन के अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन का मास, जो पॉजिट्रॉन का मास है सेम होता है, इसको अपन माइनस कर दे तो अपने पास यहां जेड ई जेड माइनस ई तो कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी अपने पास यहां नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और इस ब्रैकेट में नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव जेड ई और माइनस एम ई, तो कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों का मास बच गया, एम ए जेड माइनस एम ए जेड माइनस वन टू एम ई इंटू सी स्क्वायर, यह अपने पास बीटा प्लस पार्टिकल के लिए अपने पास आ गया क्यू एनर्जी का एक्सटेंशन। यहां इस प्रोसेस को इंड्यूस होने के लिए कंडीशंस क्या हुई कि फोर, इंड्यूस होने का मतलब क्यू एनर्जी बीटा प्लस शुड बी पॉजिटिव, तो इसके लिए मास ऑफ ए जेड एटम शुड बी ग्रेटर देन मास ए जेड माइनस वन प्लस टू एम ई, ये बीटा प्लस प्रोसेस के लिए अपने पास क्यू एनर्जी एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी जो अभी प्रोसेस है अपने पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, यहां पर मैं बीटा डीके की तीन टाइप की प्रोसेस में से दो टाइप की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर चुका हूं, बीटा माइनस डीके प्रोसेस, बीटा प्लस डीके प्रोसेस, थर्ड टाइप प्रोसेस है इसकी, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस क्लोजेस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके न्यूक्लियॉन का कन्वर्जन कर लेता है, मतलब एक न्यूट्रॉन, अपने पास एक प्रोटॉन है, वो किसमें, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्रोसेस क्या है, एक न्यूक्लियस है, मास नंबर एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, ये किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, खुद की इलेक्ट्रॉन इसको ही,
खुद के इलेक्ट्रॉन को, के सेल का इलेक्ट्रॉन, क्लोजेस्ट सेल होती है जो, इसके लिए इसमें एक बाइंडिंग एनर्जी, मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उतनी से मैक्सिमम एनर्जी का अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, इतनी क्यू एनर्जी फैक्टर उसमें से कम होगा, मतलब इसका क्यू एनर्जी पार्ट है वो इस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे, उसमें से क्या होगा, लेस होगा, उससे ग्रेटर होनी चाहिए, अदरवाइज प्रोसेस इमिट ही नहीं होगी। तो इससे क्या हो जाता है, जो डॉटर न्यूक्लियस बनती है उसका एटॉमिक नंबर लेस एक हो जाता है, मास नंबर सेम रहता है, प्लस यहां पर कोई क्यू एनर्जी रेडिएशन या कोई न्यूट्रिनो पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो पार्टिकल ही होता है, लेकिन हमने क्यू इलेक्ट्रॉन कैप्चर का क्यू एनर्जी निकाला। सिंपली प्रोसेस ये है अपने पास कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो इमिट करता है। इस प्रोसेस में अपने पास इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग में अपन वो न्यूट्रिनो पार्टिकल कॉन्सेप्ट को अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सिंपली अपने पास न्यूट्रॉन का रेस्ट मास जीरो होता है, इसलिए एनर्जी मास कंजर्वेशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इसका कैसे निकालेंगे क्यू फैक्टर, क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पहले मास ऑफ न्यूक्लियस जेड ए प्लस इलेक्ट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जेड माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस बीटा ई। ये माइनस बीटा की है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेल, क्योंकि जो मास डिफेक्ट एनर्जी इमिट होगी इतनी एनर्जी लेस और हो जाएगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। इनको एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर ले तो अपने पास क्यू एनर्जी का एक्सपेंशन आ जाता है। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर दिया, बीटा प्लस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर दिया, बीटा माइनस और बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तीन टाइप की बीटा डीके प्रोसेस होती है। तो ये बीटा डीके प्रोसेस एक वीक इंट्रैक्शन प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल से, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो जो अपने पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये वीक इंट्रैक्शन वेरी लेस इन कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और न्यूट्रॉन प्रोटोन, न्यूट्रॉन प्रोटोन की इंट्रैक्शन से बहुत कम वैल्यू होती है, उसको अपन वीक इंट्रैक्शन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिशन थ्योरी के एनालॉग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब एक एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती है तो मतलब है कि कोई इंट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ट्रांजिशन होता है। तो सिमिलरली न्यूक्लियस में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल का कॉम्बिनेशन इमिट होता है, जो बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो पार्टिकलों का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो अपन यहां डिफाइन करेंगे कि बीटा डीके प्रोसेस में जो प्रैक्टिकली एनर्जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, एक्सप्लेन द एनर्जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन किस बेसिस पर करें, जिसको अपन एक शॉर्ट में लिखते हैं, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस अवधारणा। तो अपन न्यूट्रिनो पार्टिकल का हाइपोथेसिस या कंसेप्ट कैसे आया, वो इस एनर्जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए और उसके अंदर अपने एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रोसेस को प्रूव करने के लिए कि कोई रेडियोएक्टिव डीके हो रहा है
कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस हो रही है तो उसमें चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम, पेरिटी ऑल ऑल्सो भी कंजर्वड है। लेकिन पेरिटी वोलेशन तो होता है इसमें, जिसको अपन हेलिसिटी के द्वारा न्यूट्रॉन्स को डिफेंड कर देंगे, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर ये न्यूट्रॉनों का कंसेप्ट क्यों आया कि न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियोनों का आपस में कन्वर्जन होता है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन अनचेंज रहते हैं, और न्यूक्लियॉन्स बोथ आर द फर्मियंस सो हैव द हाफ ओड इंटीजर ऑफ एस्क्रोस एंगुलर मोमेंटम। मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एच क्रॉस हाफ होता है। स्पिन, इंट्रिंसिक स्पिन मोमेंटम कह सकते हैं इसको। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या है, फर्मियन है, और दोनों का स्पिन इंट्रिंसिक जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, वो हाफ स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, और जो मोमेंटम है वो एच क्रॉस हाफ होता है। ठीक है, और जो अपने पास बीटा पार्टिकल होते हैं उनका भी जो स्पिन मोमेंटम है, जो इंट्रिंसिक स्पिन मोमेंटम है, वो यदि हाफ इंटीजर है एच क्रॉस हाफ मोमेंटम है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए अपने पास एक अदर पार्टिकल और इमिट होना चाहिए, किसके साथ, बीटा पार्टिकल के साथ, जो ये प्रूफ कर, जिससे अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रोसेस को क्या कर सकें, प्रूफ कर सकें। तो देख, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे कि मान लेते हैं कि एक इवन न्यूक्लियाई है, जैसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होने का कारण है कि जो टोटल एनर्जी है इस डीके प्रोसेस वो दो पार्टिकल में शेयर्ड होती है, जो फर्मी थ्योरी भी कहती है कि ए न्यूक्लियस है इज इवन, और ईच न्यूक्लियॉन हैव द हाफ या एस क्रॉस हाफ स्पिन मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम ऑफ दिस न्यूक्लिय स्पिन मोमेंटम, टोटल स्पिन मोमेंटम इज इंटीजर या जीरो या इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एच कट, क्योंकि इवन नंबर न्यूक्लियॉन्स है, हर न्यूक्लियॉन का एच क्रॉस हाफ होता है, तो इवन का टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है, जो अपने पास क्या होना चाहिए, एच क्रॉस का इंटीजर मल्टीप्लाई या जीरो। दूसरा ऑर्बिटल, तो ये तो मैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम नाम दे देता हूं कि इवन न्यूक्लियर का स्पिन एंगुलर मोमेंटम जीरो या इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ एच क्रॉस होता है, क्योंकि हर न्यूक्लियॉन का एच क्रॉस हाफ होता है, तो अपन इवन के लिए क्या होगा। दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एच कट, जैसे अपन बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है एच क्रॉस का इंटीजर होता है एन एच क्रॉस, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज एल प्लस स्पिन मोमेंटम को आई, अपन न्यूक्लियर स्पिन आई नोट कर दें, एल प्लस आई,
कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सम होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम भी इवन न्यूक्लियाई का क्या होगा, इवन टाइप का कोई न्यूक्लियाई है तो उस न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम भी ऑल्सो जीरो या इंटीग्रल ऑफ एच कट, ये होना चाहिए। मतलब अपन बेसिकली न्यूक्लियस के कंसिस्ट पार्टिकलों की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी और ऑर्बिटल मोमेंटम प्रॉपर्टी के बेसिस पर इवन टाइप न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो या इंटीजर ऑफ एच क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो यदि बीटा डीके प्रोसेस में कोई बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है तो अपने पास उस बीटा पार्टिकल का यदि स्पिन इंटीजर स्पिन मोमेंटम यदि अपन एस क्रॉस हाफ माने तो अपने पास तो यहां टोटल इवन नंबर न्यूक्लियस है तो इवन ही रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। तो उसका अपन यदि न्यूक्लियन कन्वर्जन हो गया, बीटा पार्टिकल इमिट हो गया, तो बीटा पार्टिकल का कैरी आउट मोमेंटम एस क्रॉस हाफ हो गया। तो मतलब ऐसा पार्टिकल और होना चाहिए उस इमिट पार्टिकल के साथ जिसका स्पिन मोमेंटम कितना हो, हाफ या एस कट, मोमेंटम एस कट हाफ हो, तो अपने पास उस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। मतलब केवल एक सिंगल टाइप का पार्टिकल इमिट नहीं हो सकता, किसके बेसिस पर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पर। तो इस टाइप से अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बीटा डीके में बीटा पार्टिकल्स के साथ में अदर फाउंडामेंटल पार्टिकल्स भी इमिट होता है जिसका नाम दिया गया न्यूट्रिनो। इसका एंटी न्यूट्रिनो, बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होता है, जो भी अपने पास फर्मियन पार्टिकल फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करता है वो रेस्ट मास का जीरो होता है या इलेक्ट्रॉन के मास या बीटा पार्टिकल कंपेरिजन में बहुत लेस होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है वो, लेकिन स्पिन मोमेंटम एस क्रॉस हाफ होता है। इसलिए अपनी प्रोसेस क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करती है, इसलिए न्यूट्रोनो का कंसेप्ट यूज किया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस में जो एक्साइटेशन एनर्जी फॉर द बीटा डीके के अंदर जो इसमें एक्साइटेशन एनर्जी होती है, न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जंप करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही तो कोई रेडिएटरी प्रोसेस करती है। तो वो जो बीटा डीके की जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो दो पार्टिकल्स में शेयर होती है, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो एनर्जी। टोटल एक्साइटेशन एनर्जी बीटा पार्टिकल में और न्यूट्रोनो में क्या होती है, शेयर्ड हो जाती है। तो जब बीटा पार्टिकल की एनर्जी इमिटेड पार्टिकल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो इसकी क्या होती है, न्यूट्रोनो की मिनिमम, और जब इसकी मैक्सिमम होती है तो बीटा पार्टिकल की मिनिमम। तो मतलब इसके बेसिस के कारण ही जो बीटा पार्टिकल एनर्जी का जो ग्राफ है ई माइनस ई न्यूट्रिनो, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम गेन होता है। और वो किस टाइप का होता है, जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, जहां किसी से बीच में ग्राफ है, एनर्जी स्टेट्स डेंसिटी का ग्राफ है एनर्जी के साथ इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में। ये एनर्जी डेंसिटी स्टेट या एनर्जी डेंसिटी स्टेट्स बोल सकते हैं, मतलब क्वांटम लेवल्स या नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स इन यूनिट एनर्जी रेंज, और वो प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं इसको अपन, ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी इन क्वांटम स्टेट्स ऑफ बीटा पार्टिकल। और वो जो अपने पास एनर्जी के साथ साथ ग्राफ इस टाइप का आता है, इसको कंटिन्यूस ग्राफ कहते हैं। ये बीटा माइनस पार्टिकल के लिए गेन होता है, यदि बीटा प्लस पार्टिकल के लिए इसका ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है, बाद में इसका हायर एनर्जी के अंदर मैच होता है,
उसका एक्सप्लेनेशन बीटा की फर्मी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बीटा पार्टिकल का एनर्जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो इसका कारण इसने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दे दिया कि बीटा डीके में बीटा पार्टिकल के साथ में अदर एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी इमिट होते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। स्पिन मोमेंटम एच का हाफ होता है, मास रेस्ट मास जीरो या नेगलिजिबल इन कंपेरिजन टू बीटा पार्टिकल्स और फॉलो द फर्मी डेराक स्टैटिक्स मतलब फर्मियोन होते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पर अपन सेल एनर्जी में क्या कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया। तो देखें अपने पास बीटा डीके की फर्मी थ्योरी जिसके द्वारा अपन क्या करेंगे बीटा पार्टिकल के एनर्जी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस हो गई अपने पास। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के बारे में चाहे और कुछ एक्सप्लेनेशन बाद में भी कर सकते हैं पर न्यूट्रिनो के बारे में आ जाएगी कि न्यूट्रिनो क्या है। न्यूट्रिनो मतलब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है इंड्यूस्ड बाय द वीक इंटरेक्शंस अंडर द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन कन्वर्जन टू प्रोटॉन कन्वर्जन। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन कन्वर्जन के बीच में एक उस फंडामेंटल पार्टिकल्स का इमिशन होता है जो वीक इंटरेक्शन फेनोमेना करते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बीटा डीके में बीटा पार्टिकल्स के साथ में इमिशन होता है प्रॉपर्टी पहली है। और इसका हाइपोथेसिस किस बेसिस पर लिया गया इसका ओरिजिन किस बेसिस पर है कि बीटा डीके के अंदर इस टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रोसेस के बेसिस पर बीटा पार्टिकल के साथ में कुछ ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स का इमिशन होना चाहिए जिनका स्पिन मोमेंटम हाफ एसकट हो और वो अपने पास न्यूक्लियस के स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो इन न्यूट्रिनो की डेफिनेशन कितने दो टाइप के न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो को एंटी पार्टिकल कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। दूसरा मास नेग्लिजिबल इन कंपेयर बीटा पार्टिकल टेक रेस्ट मास जीरो, ठीक है। तीसरा स्पिन मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज एज कट हाफ होता है। थर्ड हो गया फोर्थ ओबी फर्मी डिराक स्टैटिक्स ये फर्मियोन होता है फर्मी डेरा स्टैटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं ये दो टाइप के न्यूट्रिनो पार्टिकल होते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसमें क्या डिफरेंस होता है तो एक पार्टिकल जिसमें स्पिन मोमेंटम और उसका ऑर्बिटल मोमेंटम दोनों एंटी पैलर होते हैं एक में होता है पैलर। तो यदि एंटी न्यूट्रिनो में हेलिसिटी के बेसिस पर इसका नाम हेलिसिटी पैरामीटर एच डिफाइंड किया गया जो स्पिन मैट्रिक्स सिग्मा और मोमेंटम में पी दोनों के बीच में डॉट सिग्मा और पी का डिवाइड दे दें मतलब यूनिट वेक्टर्स लिख लें डॉट
पी कैप, मतलब ये स्पिन मोमेंटम ऑपरेटर डायरेक्शन है, ये मोमेंटम ऑपरेटर डायरेक्शन है, और इसकी वैल्यू दो वैल्यू जो होती है प्लस माइनस वन, हेलिसिटी बोलते हैं इसको। कि न्यूट्रॉन की हेलिसिटी का मतलब होता है उसके मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम के बीच का ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है पैलर या एंटी पैलर। तो न्यूट्रिनो फॉर न्यूट्रिनो के लिए एंटी पैलर होता है हेलिसिटी इज माइनस वन, फॉर एंटी न्यूट्रिनो इज हेलिसिटी इज प्लस वन। मतलब मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, पैलर होते हैं, और न्यूट्रिनो में एंटी पैलर होते हैं। इसी के बेसिस, इस हेलिसिटी के बेसिस पर ही पेरिटी वोलेशन इन बीटा डीके को एक्सप्लेन किया गया था। बीटा डीके प्रोसेस में पेरिटी कंजर्वेशन नहीं होता, वोलेशन का मतलब उल्लंघन होता है, समता संरक्षण का उल्लंघन होता है बीटा डीके में, पेरिटी वोलेशन। तो उसको अपने इस हेलिसिटी कंसेप्ट, न्यूट्रोनों की हेलिसिटी कंसेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। ये अपने पास एक न्यूट्रिनो जिनकी प्रॉपर्टी होती है, और यहां पर एक हेलिसिटी ऑपरेटर इस टाइप से डिफाइन किया जाता है। अब मैं फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, बीटा डीके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए फ्यूरी फर्मी प्लॉट कर्व, फर्मी प्लॉट कहते हैं। तो फर्मी प्लॉट का मतलब है बीटा डीके एनर्जी स्पेक्ट्रम, और बीटा पार्टिकल्स की क्वांटम एनर्जी स्टेट का एनर्जी के साथ जो ग्राफ है वो, उस चीज को अपन को एक्सप्लेन करना है कि बीटा माइनस के लिए बीटा प्लस के लिए डिफरेंट आता है, और उसकी एंड ऑफ एनर्जी इसके द्वारा फाइंड आउट की जाती है। तो देखिए, फर्मी थ्योरी में कुछ एजम्पशंस माने गए, कुछ कंसिडरेशन माने गए, फर्मी थ्योरी का आधार बेस क्या था, वो सारे पॉइंट अपन लिखें। कि फर्मी थ्योरी एक प्रपोजल थ्योरी थी फॉर टू एक्सप्लेन द बीटा डीके स्पेक्ट्रम, बीटा डीके प्रोसेस में जो कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम आता है उसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए इन्हें क्या किया गया, एक थ्योरी प्रपोजल की गई, इसको फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके कहते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा जो एनर्जी स्पेक्ट्रम एक फाइनाइट रेंज में फाइंड आउट कराएंगे उसको अपन कहते हैं क्या, फर्मी प्लॉट। कई बार क्वेश्चन फर्मी प्लॉट पर आता है, तो इसका लास्ट जो एक्सप्रेंशन आएगा वहां पर स्पेशली मोमेंटम स्पेस के बीच में मोमेंटम पार्ट का एक एनर्जी पार्ट के साथ एक ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, को फर्मी प्लॉट कहते हैं। तो देखिए, फर्मी थ्योरी के अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया। फर्मी थ्योरी में सबसे पहले यह माना गया कि इन बीटा डीके प्रोसेस न्यूक्लियंस का कन्वर्जन होता है। न्यूक्लियंस कन्वर्जेंस का मीनिंग है या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। बाय दिस टू पार्टिकल्स आर इमिट विथ वीक इंट्रैक्शन आर लेप्टॉन्स आर नॉन बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। सीधा कह दिया कि न्यूक्लियॉन्स के कन्वर्जन के द्वारा या तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन से बीटा व न्यूट्रिनो पार्टिकल्स इमिट होते हैं, और जो बीटा डीके की एक्साइटेशन टोटल एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन टू दीज पार्टिकल्स, इन दोनों पार्टिकल में जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, शेयर्ड हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज जीरो बिकॉज ड्यू टू द हेवी मासिव। क्या बताया कि इस बीटा डीके प्रोसेस में टोटल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों पार्टिकल्स में शेयर्ड हो जाती है, न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है क्योंकि वो हेवी है उन कंपेरिजन टू अदर इमिटिंग पार्टिकल। पहला एजम्पशन ले लिया, ठीक है। दूसरा कि जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं और जो बीटा पार्टिकल्स आर द फर्मियन,
हैव द स्पिन इंट्रिंसिक मोमेंटम इज हाफ एच क्रट। दोनों क्या होते हैं? फर्मियोन होते हैं, और दोनों का जो स्पिन है वो क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, दूसरा चीज हो गया यहां पर, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी मोमेंटम कंजर्व होती है। बीटा डीके प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। तीसरा, पेरिटी नॉट कंजर्व होती है, पेरिटी वोल्यूशन होता है यहां माना गया। इसमें बीटा डीके में पेरिटी वोल्यूशन होता है बट मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व होता है। तीसरा स्टेटमेंट। चौथा, कि जो बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो का जो फील्ड एक वीक इंट्रैक्शन होता है, बीटा और न्यूट्रिनो पार्टिकलों का एक फील्ड इंट्रैक्शन फील्ड है ये, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वैसे ही न्यूट्रॉन बीटिनो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें वीक इंट्रैक्शन होता है इन कंपेयरिंग टू न्यूक्लियन इंट्रैक्शन, जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। ये उसी के सिमिलर है जैसे एक एटम में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इमिशन होता है, वैसे न्यूक्लियस में से जिस टाइप से एक एटम की एटम में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का इमिशन होता है, वैसे न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो का इमिशन होता है। ठीक है, और बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बीटा डीके के अंदर जो पार्टिकल्स इमिट होते हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो नियर टू सी बाई टेन, मतलब 0.1 c इस नॉन रिलेटिविटीज होती है न्यूट्रिनो और जो बीटा पार्टिकल्स है हैव द नॉन रिलेटिविटीज वेलोसिटी, सो ऑफ दिस फंक्शन आर नॉन रिलेटिविटीज फंक्शन। काउंट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, सारे एज्यूप्शंस हैं, कंसिडरेशन है किसके? फर्मी थ्योरी के। बाद में कि टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी जो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द बीटा डीके, बट बीटा डीके का एक्सप्लेनेशन यदि टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से किया जाए तो उसका रिजल्ट गुड अप्रोक्सीमेशन का मतलब सर रिजल्ट इज मैच बाय द प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब इन सभी एज्यूप्शंस को मानते हुए इसका अपन मैथमेटिकली डेरिवेशन करें, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग निकालें, मतलब बीटा पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी इन एनर्जी रेंज में निकालें तो उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकते हैं। बीटा पर न्यूट्रॉन की नहीं फाइंड करनी है, अपन को किसकी एनर्जी फाइंड करनी है? एनर्जी स्पेक्ट्रम बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है। तो यूज क्या करेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को यूज करते हुए अपन बीटा डीके में इमिट बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी का एक्सप्रेंशन ड्राइव करेंगे जो एनर्जी स्पेक्ट्रम को डिनोट करेगा। तो डायरेक्ट एनर्जी नहीं निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालेंगे, बीटा पार्टिकल की ऑकुरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो एनर्जी का फंक्शन होनी चाहिए, और वो एनर्जी के साथ प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ग्राफ ही एनर्जी स्पेक्ट्रम जो अपने पास बीटा स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो मैं यहां डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए कि अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी द ऑक्युपेंसी या पाई जाने की इसको ऑक्युपेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इन मोमेंटम स्पेस रेंज पीई एंड पीई प्लस डीपी, पीई मतलब बीटा पार्टिकल को बताता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कि पीई और पी प्लस डीपी मोमेंटम रेंज में जो प्रोबेबिलिटी है
उसकी जो उसका जो फॉर्मूला है कैपिटल पी से नोट करें, जो किसका फंक्शन है, स्मॉल पी का, मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी है, डीपीई ये फंक्शन है, वैक्यूम लाइक कैपिटल पी प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ बीटा पार्टिकल इन दिस मोमेंटम रेंज। तो कैपिटल पी और फंक्शन इज पी डीपी इज इक्वल टू टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 पाई अपॉन एच कट एच आई एफ का स्क्वायर डी एन अपॉन डी ई। जहां पर देखो ये पी स्मॉल पी तो मोमेंटम है, कैपिटल पी प्रोबेबिलिटी है, एच कट कॉन्स्टेंट है। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो ये एच आई एफ और एक अपने पास डी एन अपॉन डी। तो एच आई एफ ये कोई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एलिमेंट है, मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर ट्रांजिशन फॉर ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट का कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब मैट्रिक्स के रूप में भाई इस स्टेट से स्टेट के अंदर अपना लिंक ये होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कैसे दी जाती है क्वांटम मैकेनिकली, फाइनल स्टेट का स्टेट फंक्शन एच जो है अपने पास इसका मैट्रिक्स एलिमेंट का ऑपरेटर साई, तो एच का ऑपरेटर एच ही होता है साई आई डीटो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की तरह होता है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के ट्रांजिशन का जो एक एलिमेंट है, मैट्रिक्स एलिमेंट कह सकते हैं कि ट्रांजिशन होता है जब इनिशियल से फाइनल में, तो जो वैल्यू आती है इसको मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट कहते हैं। डी एन ई इसको वैसे डायरेक्ट एनर्जी डेंसिटी स्टेट कह सकते हैं, या दूसरा नंबर ऑफ क्वांटम एनर्जी क्वांटम स्टेट्स इन पर यूनिट एनर्जी रेंज, नंबर ऑफ क्वांटम एनर्जी स्टेट इन यूनिट एनर्जी रेंज डी एन अपॉन डी ई। तो अपन को ये फाइंड आउट करना है किसी भी बीटा डीके प्रोसेस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उस बीटा पार्टिकल के लिए इस टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के इस फॉर्मूले से अपन ड्राई करेंगे। तो अपन कोई बीटा डीके प्रोसेस को कंसीडर करें जिसके बेसिस पर अपन डिफाइन करना चाहते हैं मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन एनर्जी स्पेक्ट्रम का एक्सपेंशन ड्राइव करना चाहते हैं। एच आई एफ डी एन अपॉन डी दो वैल्यूज अपन को फाइंड करनी है। तो लेट इन बीटा डीके प्रोसेस ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्ट इन ए प्रोटॉन प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस कोई रेडिएशन सीमिट होती है। अदर अपने पास इस फंक्शन को बीटा डीके प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू फर्मी थ्योरी टोटल शेयरिंग ऑफ बाय न्यूक्लियन कन्वर्जन टू टाइप ऑफ इन पार्टिकल्स आर इमिट बीटा माइनस बीट न्यूट्रिनो और इन दोनों का एक वीक फील्ड होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एनालॉग होता है। तो इसके लिए अपन एनर्जी स्पेक्ट्रम कर्व प्लॉट करेंगे जिसके लिए अपन टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का फॉर्मूला यूज करना है और जो फर्मी
फर्मी थ्योरी की जो बेसिक एजुप्शंस है उनको कंसिडर करना है। बट टोटल एनर्जी इज बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन की एनर्जी के इक्वल होगी। तो देखो पहले अपन क्वांटम मैकेनिकली इनिशियल स्टेट निकालें। तो इनिशियल स्टेट को किसके इक्वल होगी? न्यूट्रॉन की स्टेट। और फाइनल स्टेट और डॉटर न्यूक्लियाई स्टेट कह सकते हैं अपन। फाइनल स्टेट डॉटर न्यूक्लियाई प्रोटॉन स्टेट, बीटा माइनस स्टेट और तीसरा एंटी न्यूट्रिनो स्टेट, तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो देख पेरेंट न्यूक्लियस साई आई इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब न्यूट्रॉन फाइनल स्टेट डॉटर न्यूक्लियाई मतलब प्रोटॉन स्टेट डॉट स्टेट फंक्शन फॉर बीटा माइनस स्टेट फंक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो मतलब इस फाइनल स्टेट एफ को अपन ये कैपिटल एफ लिख लेते हैं। इसको फाइनल स्टेट के मतलब ड्यूटेरियम अपने पास ये आता है और मैं साई इलेक्ट्रॉन लिखते हैं साई इलेक्ट्रॉन साई एंटी न्यूट्रिनो तीनों का स्टेट फंक्शन होगा। तो एच आई एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन साई एफ साई साई एंटी न्यूट्रिनो का स्टार एच आई एफ और साई आई टीटो सिंपली नोटेशन लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं चाहे स्टार है सबको अलग अलग स्टार कर दें साई एफ स्टार साई ई स्टार साई एंटी न्यूट्रिनो स्टार एच आई एफ साई आई डी टू लिख सकते हैं। तो यहां पर अपने पास न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का जो स्टेट फंक्शन है वो सेम होगा। ये रेस्ट मास नहीं होता इनका मोमेंटम स्पेस के अंदर इसका प्रेजेंटेशन जो वेव फंक्शन प्रेजेंटेशन होगा क्योंकि बीटा पार्टिकल न्यूट्रिनो को एक रेडिएशन इक्वलेंट माना गया है। तो रेडिएशन को एक स्टेट फंक्शन जो वेव फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको मोमेंटम प्रेजेंटेशन मोमेंटम के टर्म में प्रेजेंटेशन क्या होता है? वैसे अपन सिंपली कोई वेव फंक्शन साइज द प्रोपोर्शनल ई की पावर आईटा के डॉट आर ऐसा होता है लेकिन मोमेंटम प्रेजेंटेशन में क्या होता है? साइज प्रोपोर्शनल ई की पावर माइनस आईटा माइनस चाहे ओमेगा टी में लें माइनस आईटा एच कट नीचे ले लेते हैं और पी डॉट आर मोमेंटम स्पेस में के को अपन पी अपॉन एच कट में लिख लेते हैं। ये किसी भी कोई पार्टिकल जिसका वेव नेचर होता है रेडिएशन नेचर होता है उसका वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस इज रिप्रेजेंट इन दिस टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसका जो यहां जो प्रोपोर्शन कॉन्स्टेंट है वो अपन स्पेस के वॉल्यूम के बेसिस पर अपन डिफाइंड करते हैं। तो यहां पर ऐसे डिफाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्टेट फंक्शन वन अपॉन वी मतलब वॉल्यूम का अनुरूप यहां टू पाई एस क्यूब थ्री आता है तो वो क्योंकि इसको वॉल्यूम कह सकते हैं अपन एक मतलब यहां पर क्वांटम स्टेट का जो मिनिमम वॉल्यूम एस क्यूब होता है ठीक है ई की पावर माइनस आईटा एच प्लस टीई डॉट आर इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी न्यूट्रिनो के लिए वन अपॉन का स्पेस दोनों का वो ए वी है
पावर माइनस आईटा अपॉन एस क्रॉस पी एंटी न्यूटनो डॉट आर। देख सकते हैं सर, स्टार करेंगे तो आईटा क्या जाएगा, यदि अपने पास जो वेव इक्वेशंस है वो आईटा यहां पर नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, अपने इस पार्ट को चाहे अपन जरूरी नहीं या नेगेटिव पार्ट ही ले, पॉजिटिव पार्ट भी ले सकते हैं। जैसे अपने यहां में आईटा की आर से इक्वेशन है वो तो अपने पास जब एक्सपोनेंशियली जो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की ओर डिक्रीजिंग होता है तब अपने इसमें नेगेटिव एक्सेप्ट करना होता है, आईटा वाले फंक्शन में पॉजिटिवली डायरेक्शन में फ्लो मोमेंटम वेव इक्वेशन है। स्टार कर देंगे तो पहले नेगेटिव तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, या अब मैं स्टार कर दूं तो ये पार्ट क्या हो जाएंगे नेगेटिव। दोनों का यदि अपन प्रोडक्ट निकाले, हाँ प्रोडक्ट अपन को सब्स्टिट्यूट करना होगा तो e की पावर दोनों की प्लस हो जाएगी, e स्टार एंटी न्यूट्रिनो स्टार। ये ध्यान रखना न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के लिए स्टेट फंक्शन सेम होता है। दोनों को यदि अपन मल्टीप्लाई करें तो वन अपॉन वी आ जाएगा, ई की पावर में दोनों का जो पावर एक्सपेंशन है वो क्या जाएगा ऐड हो जाएगा, वन अपॉन ई, ई की पावर माइनस आईटा एस क्रॉस यहां पीई प्लस पी म्यू डॉट आर। यदि अपनी रेडिएशन पार्टिकल है तो उसको मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में ले सकते हैं, और जो न्यूट्रिनो है रेस्ट मास जीरो होता है, इसकी स्पीड लाइट स्पीड के इक्वलेंट होती है। न्यूट्रिनो का जो पार्टिकल है हाई एनर्जी रेंज में, जब अपन पास में देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो बीटा पार्टिकल की स्पीड भी टेंस टू यदि सी हो तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू एक लार्ज वैल्यू पार्ट के अंदर बनती है, तो साइन टेंस टू यदि ई की पावर को अपन यदि जीरो रिड्यूस कर दें तो जीरो रिड्यूस कब होगा, अपने पास एक कंसेप्ट है कि यदि अपन न्यूट्रिनो की स्पीड को सी मान लें और इलेक्ट्रॉन की स्पीड को सी मान लें, न्यूट्रॉन की स्पीड को भी सी मान लें, तो अपने पास ई की पावर 2mvc.r आ जाता है, जिससे अपना रियलिटी पार्ट क्या होगा बहुत कम होगा। तो ई की पावर ई नोट जीरो को अपन लेस टू वन, जो इस पार्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूं पीई इज इक्वल टू एम ई वी, पी एंटी न्यूट्रिनो की एम एंटी न्यूट्रिनो और सी, ठीक है। तो यदि अपन यहां देखो कि न्यूट्रोनों की एम वी मास ऑफ न्यूट्रिनो रेस्ट मास जो अपने पास मास होता है इसको यदि नेग्लिजिबल जीरो मान लें और ये नॉन रिलेटिविटीज केस में वी ले लें, नॉन रिलेटिविटीज केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेकंड टर्म के कंपैरिजन में फर्स्ट टर्म नेगलिजिबल हो गया। यदि नॉन रिलेटिविटीज केस ले लें तो नॉन रिलेटिविटीज में पी म्यू एम वी सी और एम का मास रेस्ट मास इज नेगलिजिबल, तो एप्रोक्सीमेट वन अपॉन ई ई की पावर माइनस आईटा एच कट केवल पी वी डॉट आर आ गया, और पी वी डॉट आर की वैल्यू टेंस टू जीरो, क्यों, मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो टेंस टू जीरो, तो इसकी वैल्यू अपने पास एप्रोक्स वन अपॉन वी आ गई। वेव थ्योरी नेचर से न्यूट्रिनो अपने पास यहां दो फ्रैक्शन मान है, इसका वन अपॉन वी वैल्यू आ गई। और एक कंसेप्ट और ले लिया गया कि हैमिल्टन जो एच एफ आई एलिमेंट्स हैं वो ये फैक्टर जी एम आई एफ
इसका जो ऑपरेटर है वो एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू, ये जी कोई कॉन्स्टेंट है स्प्लिटिंग फैक्टर की तरह, और एम आई एफ कोई ऑपरेटर है, तो जी एच आई एफ को अपन जी एम आई एफ के टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ जी कोई स्प्लिटिंग कोई कॉन्स्टेंट है इसका। तो अपने पास यहां पर यदि सारी वैल्यूज रख दें तो एच आई एफ इज इक्वल टू, यहां अपने पास वन अपॉन वी फाइनल स्टार एम आई एफ एच आई डी टू हो गया, मतलब एच एम आई एफ कोई मैट्रिक्स एलिमेंट हो गया अपने पास, फाइनल डॉटर न्यूक्लियाई और पेरेंट न्यूक्लियाई के बीच में ट्रांसफर मैट्रिक्स एलिमेंट हो गया। पहले वाला तो कंप्लीट ट्रांसफर मैट्रिक्स था, कंप्लीट न्यूक्लियस का अगर प्रोडक्ट स्टेट तक ट्रांसमिशन का जो मैट्रिक्स एलिमेंट था, यहां पर केवल ये तो कौन सी है डॉटर न्यूक्लियाई और पेरेंट न्यूक्लियाई, अगर पार्टिकल का कंसेप्ट नहीं है तो इसको अपन जी यहां सॉरी जी और आ जाएगा फैक्टर, तो जी एम आई एफ मैट्रिक्स लिख देंगे अपॉन वी, ये एच आई एफ का आ गया। तो एच आई एफ का मैट्रिक्स स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास आ गई जी स्क्वायर एम आई एफ का स्क्वायर अपॉन वी। ध्यान रखना एम आई एफ पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस की ट्रांसफर इनिशियल फाइनल स्टेट का मैट्रिक्स एलिमेंट है, ए काउंट वैल्यू एच आई एफ तो निकाल लिया अपने, क्या निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द बीटा पार्टिकल का फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए अपन दूसरा टाइम जो दूसरा डेरिवेशन है वो अपन dn अपॉन de का करेंगे, मतलब एनर्जी डेंसिटी स्टेट्स का। तो एनर्जी डेंसिटी स्टेट्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक बेसिस रूल बता देता हूं, जो मोमेंटम स्पेस कंजर्वेशन से निकालेंगे, मोमेंटम स्पेस डिवाइजेशन क्वांटाइजेशन, मोमेंटम स्पेस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग यदि PE मोमेंटम रेज है, PE मोमेंटम रेंज है और DPE और P प्लस DP का रेंज है कोई मोमेंटम स्पेस में फॉर इलेक्ट्रॉन और फोर एंटी न्यूट्रिनो, तो क्या जाएगा पी एंड पी एंटी न्यूट्रिनो डीपी। तो इसमें पॉसिबल प्रोबेबल स्टेट्स कितनी होगी, मतलब एक फर्मियोन को क्वांटम स्टेट के लिए जो स्पेस में क्वांटम स्पेस में एक रिक्वायर्ड स्पेस की वैल्यू है वो एस क्यूब होती है, मतलब टोटल मोमेंटम स्पेस का टोटल वॉल्यूम निकाल लें और उसमें एस क्यूब पर डिवाइड करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए डी एन ई निकालना चाहते हैं, मतलब इस रेंज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी नंबर कितनी है, डेंसिटी की संख्या कितनी है वो निकालना चाहते हैं। तो अपन क्या करते हैं जो मोमेंटम स्पेस में P और DP के बीच का वो सेल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वो क्या आता है 4 पाई PE स्क्वायर DPE इनटू फेज स्पेस में 6 वेरिएबल होते हैं, स्पेस वेरिएबल मोमेंटम वेरिएबल मोमेंटम कोऑर्डिनेट और स्पेस कोऑर्डिनेट वॉल्यूम वी है अपना अपॉन एस क्यूब। ये एस क्यूब पर डिवाइड क्यों दे रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन का जो इक्वाइप स्पेस है कवर्ड स्पेस है वो एस क्यूब माना गया क्वांटम मैकेनिक के लिए। तो ऐसे ही इस मोमेंटम रेंज में डी एन वी एंटी न्यूट्रोनो की डेंसिटी कितनी होगी, संख्या कितनी होगी 4 पाई पी एंटी न्यूट्रोनो स्क्वायर डी एंटी न्यूट्रोनो इंटू वॉल्यूम स्पेस वी एस क्यूब बोतार फर्मियोन। तो टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन दिस मोमेंटम रेंज दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, और अपना क्या निकालना है डी एन अपॉन डी ई निकालना है, तो डी एन ई
और डी एन ई म्यू बार में टेल ई का डिवाइड दे देंगे। तो देखो अपने पास वैल्यू रखने पर, दोनों का प्रोडक्ट करने पर 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर पीई स्क्वायर क्यू बार स्क्वायर डी पीई टी पी न्यूट्रिनो अपॉन एस की पावर 6 और डी ई। अपन को न्यूट्रिनो का मोमेंटम उठा के इलेक्ट्रॉन मोमेंटम स्पेस फाइंड आउट करना है, तो अपन अलग से इसको क्या कर लेंगे, 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर स्क्वायर पी म्यू बार का स्क्वायर डी पी ई और एच सिक्स और अलग से अपन डी पी म्यू बार अपॉन डी ई लिख लेंगे, क्योंकि अपन को न्यूट्रिनो एनर्जी स्पेक्ट्रम नहीं निकालना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्पेक्ट्रम निकालना, तो पी के फॉर्म में वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए अपन डी पी म्यू बार अपॉन डी ई नोट कर दिया। अपन को पता है इन द बीटा डीके टोटल एनर्जी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी और एंटी न्यूट्रॉन एनर्जी, तो अपन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को स्टैटिक रखना है, अभी न्यूट्रॉन एनर्जी के बीच में अपन वेरिएशन मोमेंटम वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी, मतलब न्यूट्रॉन की एनर्जी के रेस्पेक्ट में एनर्जी डेंसिटी स्टेट्स निकालनी है, बाद में तो अपन मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का चेंज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेंसिटी स्टेट्स आ जाएगी। तो यहां पर अपन टी ई ऐसे निकालें, न्यूट्रिनो इज इक्वल टू ई माइनस इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं, तो डी ई न्यू बार इज इक्वल टू डी ई लिख सकते हैं, डेल्टा डी ई इज इक्वल टू जीरो। यदि अपन न्यूट्रिनो में एनर्जी वेरिएशन टोटल एनर्जी वेरिएशन के इक्वल है तो ई कॉन्स्टेंट है कि दोनों में सेट हो रही है, तो अपन को डेल्टा पी म्यू अपॉन ई निकालनी है, जबकि ये एनर्जी में आ गया तो न्यूट्रिनो का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो, तो उसका मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, ये रिलेशन ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर रेस्ट मास स्क्वायर सी फोर, ये देखा है, तो न्यूट्रोनों के लिए क्या होगा, ई न्यू स्क्वायर बराबर पी न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर, वो जीरो हो जाएगा, तो मतलब एंटी न्यूट्रोनो, तो ई म्यू बार इज इक्वल टू पी म्यू बार सी, तो यहां वैल्यू रख दें तो मल्टीप्लाई किया जाएगा सी, तो मतलब है इसके आसपास में और इसके बेसिस के ऊपर क्या रिजल्ट आ गया, डेल्टा पी म्यू बार डेल्टा ई बराबर 1 अपॉन सी, ये वैल्यू यहां रख दो, तो इलेक्ट्रॉन मोमेंटम वेरिएशन के अंदर अपॉन डेंसिटी स्टेट्स का डेरिएशन आ गया, मतलब डी एन अपॉन डी की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी रेंज में अपने पास ही आ गई यहां। लेकिन यहां पर देखो न्यूट्रॉन का मोमेंटम पी स्क्वायर की जगह भी अपन को चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में, तो देखो इसको अपन पी म्यू स्क्वायर को कि पी म्यू न्यूट्रिनो बराबर ई न्यूट्रिनो अपॉन सी लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दें स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो मतलब डी एन अपॉन डी की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक मोमेंटम या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के टर्म आगे मोमेंटम को फिर वापस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अपन मोमेंटम में चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट को अपन एनर्जी वेरिएशन में भी कर सकते हैं, मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन होता है, तो अपन डी एन अपॉन डी भी निकाल ली बीटा डी के प्रोसेस के लिए, और अपन ने जो एच आई एफ की वैल्यू भी निकाल ली
तो अपन उस फॉर्मूले में रख दें जहां प्रोबेबिलिटी पी, जो इलेक्ट्रॉन है बीटा नेगेटिव पार्टिकल की एक फाइनाइट मोमेंटम रेंज में फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कैपिटल पी डी पी ई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच कट एच आई एफ का स्क्वायर डी एन अपॉन डी। ये वैल्यू रख दें, अभी अपने फाइंड की थी, और डीएनई की वैल्यू ये निकाल दी, तो अपने पास एक डेरिवेशन आ गया फर्मी डेराक, सॉरी फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा का एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, जिसका अपन ग्राफ लोड करके आगे एनर्जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक बार यहां तक होल्ड कर लेना, मैं कल या डायरेक्ट इस पर्टिक्यूशन थ्योरी में एच आई एफ की वैल्यू डीएन अपॉन डी की वैल्यू रख के फिर इसका मैं ग्राफ प्लॉट और आगे इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक्स।